नेशनल हेल्थ मिशन के तहत विभिन्न समितियों के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने आज सरकार की बेरुखी के चलते काम छोड़ो हड़ताल शुरू कर डाली। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि अभी भी यदि सरकार ने उनकी मांगों की तरफ सहानुभूतिपूर्वक ध्यान नहीं दिया तो यह संघर्ष लंबा भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे करीब 1700 कर्मचारी 23 सालों से सरकार की बेरुखी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 23 साल तक सेवाएं देने के बावजूद ना तो आज तक नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और ना ही अपने परिवार को वह आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो पाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस हड़ताल के संबंध में पहले ही ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार नहीं जागी और कर्मचारियों को आज पेंड ऑन स्ट्राइक करने पर मजबूर होना पड़ा। हमारा जिस प्रकार से कि राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ की ओर से 5 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय और मुख्य सचिव से लेके आदरणीय श्री CMO साहब के लेवल तक जो है वो हमने अपनी मांग को लेकर ज्ञापन भेजा था और 25 जनवरी का समय हमने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया था कि वो हमारे इन कर्मचारियों के लिए जो पिछले 23 वर्षों से कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कर रहे हैं इनके लिए किसी स्थायी नीति का प्रावधान किया जाए, परंतु 25 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा स्थायी नीति तो दूर परंतु NHM के कर्मचारियों के कार्यों के लेके कुछ भी वक्तव्य भी ना देने के चलते हमारे प्रदेश भर के कर्मचारियों ने 27 जनवरी से ब्लैक रिबन लगाकर रोष व्यक्त करने के लिए जो है वो विवश होना पड़ा था। और उसी 5 जनवरी के अल्टीमेटम में हमने 2 फरवरी को एक दिवसीय सांकेतिक जो पेन डाउन स्ट्राइक काम छोड़ो जो आंदोलन था उसका हमने बोला था, उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ इस बैनर तले बैठे हैं। तो हमारी जो मुख्य मांग हिमाचल प्रदेश सरकार से है वो है स्थायी नीति की, क्योंकि पिछले 23-24 वर्षों से हमारे कर्मचारी विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरे हिमाचल की बात करूं तो 1700 कर्मचारी कार्यरत है जो कि ड्राइवर से लेकर डॉक्टर तक विभिन्न पदों के ऊपर काम करे, परंतु आज दिन तक हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कोई भी स्थायी नीति का प्रावधान इन कर्मचारियों के लिए नहीं किया है। जबकि हरियाणा सरकार ने 1/1/2018 से रेगुलर पे स्केल हरियाणा सरकार के जो नॉर्म्स हैं उनके अंतर्गत दे दिया है। 7th पे कमीशन उन कर्मचारियों को मिल गया है। मणिपुर सरकार ने 6 जनवरी से स्थायी पॉलिसी का प्रावधान कर दिया, मिजोरम ने कर दिया, छत्तीसगढ़ ने कर दिया, राजस्थान ने कर दिया, आंध्र प्रदेश ने कर दिया। तो हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार से यही कहना है कि आप कब करेंगे। तो मेरी मुख्य मांग सभी कर्मचारियों की ओर से एक ही है कि हमारे लिए जल्द से जल्द स्थायी नीति का प्रावधान किया जाए। आज तो आपकी संकेतिक हड़ताल है, अगर बावजूद इसके आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो अगला क्या रुख रहेगा? अगला रुख हमारा स्पष्ट है कि अगर आज 3 बजे तक हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमारे लिए कोई रणनीति या कोई ऐसा प्रावधान हो जाता है तो हम लोग जो है वो उसका स्वागत करेंगे, परंतु जब तक स्थायी नीति का प्रावधान नहीं हो जाता हमारे कर्मचारी इसी तरह से काम छोड़ो पेन डाउन स्ट्राइक पे रहेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान। श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां जिला ऊना में परम पूजनीय राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज के सानिध्य में विराट वार्षिक महाकुंभ श्रीमद् भागवत कथा गीता प्रवचन संत सम्मेलन एवं भजन संकीर्तन 1 से 13 फरवरी सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जा रहा है। वहीं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 4 फरवरी को किया जाएगा। श्री भक्तमाल कथा श्री गौरदास जी महाराज द्वारा 1 से 6 फरवरी तक प्रातः 11 बजे से, वहीं श्री हाउ बिलाव जी महाराज वृंदावन वाले 6 फरवरी को प्रातः 11 बजे भजन संकीर्तन करेंगे। गीता प्रवचन श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा 7 से 9 फरवरी तक प्रातः 11 बजे, श्रीमद् भागवत कथा स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी द्वारा 7 से 13 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। आप सभी इस विराट वार्षिक महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम का आयोजन कोविड नियमों के तहत किया जा रहा है।